श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोय। अष्टपदी करण करावन करनै जोग जो तिस भावै सोई होग। खिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार अधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच ब्योहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। हुक्मे तार अतार रहावै। अतर जां अदर नहीं बोलना, अतार बोलना। हुक्मे तार अतार रहावै। हाँ जी, हुक्मे तार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच ब्योहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई। प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै। प्रभ भावै बिन सास ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै। प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै आपन बीचारै। दोहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी। जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै। कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै। इसकै हाथ होए ता सब किछ ले। जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिखिया मह रचै। जे जानत आपन आप बचै। भरमे भूला दह दिस धावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले। खिन मह नीज कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा कौ अपनी करै बखसीस ताका लेखा ना गनै जगदीस। जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बड़ाई। इसका बाल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै। कबहू निंद चिंद ब्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म बीचार। नानक आप मिलावनहार। कबहू निरत करै बहु भांत कबहू सोए रहै दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल। कबहू होए बहै बड राजा कबहो पेखारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै। ਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਕਬਹੂ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਬਹੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਬਹੋ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਂਕੜ ਛਪਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬਹੋ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਬਖਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਮ ਅਣਜਾਣ ਪਾਠੀ ਬਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ
फिर बेनती है कि खखे हेठां जिहड़ी लीक है ये जइया है अद्धा जइया बखियान पाठ होवेगा जिवें आप जी ने सरवण किया है बखियान ही कहना। हाँ जी कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति सांग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान।